जय हिंद योद्धाज, दिस इज़ विपुल सर फ्रॉम विश्वतेज एकेडमी। आज आपका हिस्ट्री का लेक्चर होने वाला है ऑन द टॉपिक ऑफ वॉइस रॉय। वॉट डज इट मीन वॉइस रॉय? वॉइस रॉय मतलब एक इन सिंपल लैंग्वेज, अभी फ़िलहाल जैसे इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के मतलब इंग्लैंड के जो भी चीफ थे, मतलब इंग्लैंड जब इंडिया पे राज करता था तो इंडिया में पूरे अंग्रेज़ों के जो चीफ थे, सुप्रीम लीडर वो थे, उनकी पोस्ट थी वॉइस रॉय। तो ऐसे कुछ वॉइस रॉयस थे, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो वही आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वॉइस रॉयस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, तो जब आने ब्रिटिशर्स आए तो सबसे पहले पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद में वो पोस्ट बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे बंगाल क्यों लिखा है पहले, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपना जो ये था साम्राज्य वो बंगाल से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने मुंबई, ठीक है, और ये मद्रास सेशंस, ये मतलब आगे आगे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे एक्सपांड किए गए, बट उस टाइम पे जब स्टार्टिंग का टाइम था उस टाइम पे बंगाल ही प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशर्स की। तो सबसे पहले थे गवर्नर जनरल, सॉरी, सबसे पहले थे गवर्नर ऑफ बंगाल, देन उसके बाद में उसी पोस्ट को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन उसके बाद में उसी पोस्ट को बनवाया गया, पहले तो बंगाल था, उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया ब्रिटिशर्स के तब तक कब्जे में आ चुका था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनवाया गया उस पोस्ट को, उसके बाद में वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बनवाया गया ये पोस्ट को, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट से। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ही वॉज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। कीप इट इन माइंड, आपको SBI के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, इन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देना है आपने, आइदर इट इज़ गवर्नर और गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके SBI के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद में जैसे गवर्नर ऑफ, मैंने कहा था गवर्नर को, गवर्नर की पोस्ट को बनवाया गया गवर्नर जनरल, तो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन ही वॉज वॉरेन हेस्टिंग। ये जो पोस्ट थी ये बनवाई गई एक एक्ट से, उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, 1773 के एक्ट के तहत ये पोस्ट बनवाई गई फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वो थे वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद में एक नया एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1833, उस एक्ट के तहत ये जो पोस्ट है आपकी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, ये जो पोस्ट है आपकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये पोस्ट बनवाई गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि तब तक पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज हो चुका था 1833 तक, तो वो जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो वो थे आपके विलियम बेंटिक, ठीक है। ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद में ये था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद में ये पोस्ट बनवाई गई आपकी वॉइस रॉय, ठीक है, क्योंकि आफ्टर 1857 रिवोल्ट तक तो ये पोस्ट थी आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद में 1857 रिवोल्ट के बाद में एक एक्ट लाया गया एंड उस एक्ट के तहत ये पोस्ट को नाम दिया गया वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ये जो तब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था 1857 रिवोल्ट तक, ये जो राज था एक इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज करती थी, उसके बाद में वो क्राउन सीधा ट्रांसफ़र किया गया गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को, ठीक है, इसलिए उसका पोस्ट बनवाया गया वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज टाइम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बनवाया गया था, उसके बाद में उसके ड्यूरिंग मतलब इनका जो रीजन है, इनका जो भी वर्किंग पीरियड है उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई उसी के रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे। ट्रीटी ऑफ सालबाई जो कि मराठा एम्पायर के साथ साइन की गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद में एक आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। वट डज़ इट मीन परमानेंट सेटलमेंट, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में कवर अप करवाया है आपको, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट द लैंड रिवेन्यू एंड टैक्सेस सेटलमेंट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियन फार्मर्स, ठीक है, इन बंगाल इन 1793। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट है आपके लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले जो है,
लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ये किया. व्हाट डज इट मीन सब्सिडरी अलायंस, मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में कवर अप करवाया है, बट मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ. ये सब्सिडरी अलायंस है उसके तहत जो भी इंडियन रूलर्स थे उनको अपनी आर्मी डिसबैंड करवानी थी, उनको सारे टैक्सेस जो थे वो ब्रिटिशर्स को देने थे एंड ब्रिटिशर्स उनके मदद के लिए आते थे. ठीक है, तो ये थी सब्सिडरी अलायंस. उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने. तो ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली अगर आता है तो आपको मन में आना चाहिए, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए सब्सिडरी अलायंस. उसके बाद में आए आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक. हुज द लॉर्ड विलियम बेंटिक? ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एंड ये जो पोस्ट थी वो लाई गई चार्टर्ड एक्ट 1833 से. ठीक है, एंड उस टाइम पे उन्होंने सबसे बड़ा काम किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, सती प्रथा थी, उस प्रथा को उन्होंने बंद कर दिया 1829 में. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक ही बैंड सती सिस्टम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. बाद में आए आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो है लॉर्ड हार्डिंगे. इन्होंने एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, स्त्री भ्रूण हत्या की बंदी करवाई इन्होंने. अगर आता है विच गवर्नर जनरल एबोलिश फीमेल इन्फेंटिसाइड, यू हैव टू राइट इट डाउन, लॉर्ड हार्डिंगे. ठीक है, तो उसके बाद में एक गवर्नर जनरल है आपके लॉर्ड डलहौजी. डलहौजी सबको पता होंगे, है ना, कभी सुना भी होगा आपने काफ़ी बार. तो इन्होंने सबसे पहले डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस करवाया. उसके बाद में उन्होंने इंडिया की सबसे पहली ट्रेन जो है वो फ्रॉम बॉम्बे टू थाने 1853 में उन्होंने उनका वो इनॉग्रेशन किया. उसके बाद में आज का जो आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसकी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. ठीक है, ये पोस्ट बदल के करवाई गई वॉइसरॉय. तो ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. ठीक है, इनके टाइम पे सबसे बड़ा रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने, इनको इस रिवोल्ट को कहा गया था उनके द्वारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, उसके बाद में इनके टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ थ्री यूनिवर्सिटीज़, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट करवाई गई. एजुकेशन सेक्टर में उनकी काफ़ी मदद रही लॉर्ड कैनिंग की. ठीक है, उसके बाद में आए आपके लॉर्ड लिटन. ठीक है, हम हर एक गवर्नर जनरल या हर एक वॉइसरॉय के बारे में नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा आपकी एसबीआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा पढ़ना, तो जो जो भी इंपॉर्टेंट है उसी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे. ठीक है, चलो, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, मतलब कि प्रेस के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लाई, पाबंदियाँ लाई 1878 में. उसके बाद में ब्रिटेन की जो क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया, उनको कैसर ए हिंद, जैसे आज का आपका भारत रत्न है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, वैसे उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था कैसर ए हिंद, दिया गया टू क्वीन विक्टोरिया. ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड लिटन. ठीक है, उसके बाद में आए आपके लॉर्ड रिपन. रिपन जी ने ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लिटन के द्वारा, उसको रिपील करवाया, उसको हटा दिया गया. उसके बाद में हंटर कमीशन, जो आज आपका एजुकेशन सिस्टम देख पा रहे होंगे पूरी इंडिया का, तो वो एजुकेशन सिस्टम सेटअप करवाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ हंटर कमीशन. ठीक है, तो वो हंटर कमीशन सेटअप करवाया लॉर्ड रिपन ने उसके बाद में. ठीक है, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, मतलब इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है. ठीक है, लिबरेटर ऑफ प्रेस. उसके बाद में आए आपके लॉर्ड डफरिन. उनके टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ हुई जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपका लेक्चर ले चुका हूँ वॉइसरॉय ड्यूरिंग द, उसमें मैंने डाला भी था आपको कि वॉइसरॉय वॉज द वॉइसरॉय ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुआ तो उस टाइम पे हु वॉज द वॉइसरॉय, तो वो थे आपके लॉर्ड डफरिन. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद में आए लॉर्ड कर्जन. उन्होंने बंगाल पार्टीशन करवाया 1905 में, तो इनके टाइम पे यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई. उसके बाद में आए आपके लॉर्ड मिंटो टू. ठीक है, इनके ड्यूरेशन में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई 1906 में. ठीक है, इन सारी चीज़ों से आपको क्या क्या लिखना है, मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुआ 1906 में. ठीक है, सूरत स्प्लिट, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कांग्रेस के सेशन में, सूरत स्प्लिट जो है, सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में. उसके बाद में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ये कहते हैं, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है. ठीक है, 1909 में हुआ था ये. तो
ये मॉरलेम इंटो रिफॉर्म्स के द्वारा इंडियंस को पार्लियामेंट में एंट्री देने का जिक्र इस मॉरलेम इंटो रिफॉर्म्स में किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ही वॉज द मतलब उनके टाइम पे चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है, गांधी जी का फर्स्ट एवर सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद में रौलट एक्ट हुआ 1919 में, उसके बाद में ठीक ठीक बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, एंड देन नॉन कॉपरेशन की शुरुआत की गई बाय द महात्मा गांधी जी 1920 में, ठीक है। उसी दौरान और एक चीज़ें और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 1913 में, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना भी हुई थी, ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद में है आपके लॉर्ड इरविन, जिनके बारे में पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे आए थे, उस लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था साइमन कमीशन, ठीक है। उसके बाद में साइमन कमीशन आया था आपका 1928 में, ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। एंड और एक चीज़ हुई थी, मतलब नॉट द टाइम ऑफ लॉर्ड इरविन, बट देर इज़ वन पार्टी ऑल्सो, स्वराज पार्टी बाय द मोतीलाल नेहरू, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा उसमें साइड में नोट्स बना के लिख सकते हो, ठीक है। लॉर्ड इरविन, चलिए लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था, साइमन कमीशन आया था, उसके बाद में लाहौर सेशन हुआ था, जिस लाहौर सेशन में सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन, जिसमें कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी ऑन द 26th of January, ठीक है। उसके बाद में CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, ठीक है। उसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट करवाई गई थी बाय द दांडी मार्च, वो ख़त्म करवाई गई गांधी इरविन पैक्ट से 1931 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी दूसरे हैं आपके लॉर्ड लिनलिथगो। जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, लॉर्ड लिनलिथगो के ड्यूरेशन में फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो बनवाया गया बाय द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो बनवाया गया था। उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा, क्रैश डेटेड चेक ऑन इंडियन बैंक, ठीक है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था इस क्रिप्स मिशन को। उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, चले जाओ मूवमेंट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, ठीक है, ये हुआ था 1942 में। एंड दिस आर द ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स ड्यूरिंग द लॉर्ड लिनलिथगो। अगर कोई पूछता है, अगर आपको SPI के एग्जाम में पूछा जाता है हु वॉज द वॉइसराय ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, देन यू हैव टू राइट लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। उसके बाद में लॉर्ड वैवल, वैवल के टाइम पे कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ये कैबिनेट मिशन प्लान ये कहता है कि इंडियन कैबिनेट कैसी बनेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। इंडिया को आज़ादी देने जा रहे थे ब्रिटिशर्स, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान मंगवाया था, ठीक है। उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन, ही वॉज द लास्ट वॉइस रॉय, जस्ट लिसन इट केयरफुली, ठीक है, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, समझ रहे हो ना, इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि ब्रिटिशर्स का राज जब था तो ही वॉज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे पास गवर्नमेंट चलाने की एक्सपीरियंस नहीं थी, इसलिए ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ही एज्यूम द सेम टाइटल, उन्होंने सेम टाइटल एज्यूम किया एंड ये पोस्ट हमने कंटिन्यू रखी वॉइस रॉय की, एंड वो बने हमारे इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद भारत के पहले वॉइस रॉय बने लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। एंड उनके टाइम पे हुआ रेडक्लिफ कमीशन, ठीक है। रेडक्लिफ कमीशन मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की लाइन को कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन, ये बनवाया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद में इंडिया, सबसे बड़ी चीज़ इंडिया का इंडिपेंडेंस जो हुआ 1947 में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें लॉर्ड माउंटबेटन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द लास्ट वॉइस रॉय, इस चीज़ पे के ऊपर ध्यान दो, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड देन फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कहा गया था वॉइस रॉय, ठीक है। ही वॉज द लास्ट वॉइस रॉय, ही इज द करेक्शन, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। ही वॉज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, सी राजगोपालाचारी, एंड ही इज ऑल्सो फर्स्ट फर्स्ट इंडियन वॉइस रॉय, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वॉइस रॉय सी राजगोपालाचारी। बट इनके बाद में ये रहे थे अप टू 1950, ठीक है। बट इनके बाद में
ये पोस्ट जो थी वॉइसरॉय, ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करवा दी गई। उसके बाद में इंडिया में एक पोस्ट आई प्रेसिडेंट, ठीक है, ये पार्लियामेंट का हिस्सा है, एंड प्राइम मिनिस्टर जो कि एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, ठीक है। ही इज़ अ नॉमिनल हेड ऑफ, प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ अ एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें जो है, आपने एक काम करना है, एक पेज लो, उसके ऊपर आप लिखो सिर्फ ऐसा, एक साइड में आप वॉइस रॉय के नाम, ठीक है, एंड दूसरी साइड में उनके काम। तो ऐसे जब बनाओगे, एक नोट्स बना लोगे, तो शायद क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आसानी से आना चाहिए। चलिए, ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।